Is up YouTube. This is Raman Chauhan and today's video is very important video jo ki hamare workout se bhi kafi important hai and hamari diet se bhi zyada important hai. Ab kafi log kahenge ki workout se important diet hai, but diet se important kya hai to kafi log sochenge supplements, but it's not about supplements, it's about calories. कैलरीज आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी डाइट में, अपना कार्ब प्रोटीन एंड फैट्स आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं, कितना परसेंट आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं अपने टोटल कैलरी इनटेक कंप्लीट करने के लिए टू गेन योर मसल और टू लूज फैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज. आई होप इस पूरी वीडियो में मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं एंड जितनी भी क्वेरीज हैं कैलरीज से रिलेटेड मैं उन सबको क्लियर कर सकूँ. अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाए या कोई पॉइंट रह जाए जो मैं इस वीडियो में क्लियर ना कर पाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा. तो अब बात करते हैं कैलरीज के बारे में कि कैलरीज क्या होती हैं. लाइक एज हम गाड़ी चलाते हैं, कोई भी कार बाइक या स्कूटी, उसमें जो पेट्रोल लगता है या डीजल लगता है वो उसको हम उसमें डालते हैं ताकि हम गाड़ी चला सकें. उसी तरीके से हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए या प्रॉपर फंक्शन या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी कैलरीज बर्न करती है. कैलरीज हम यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी. सिंपल अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में कहें कि कैलरीज क्या है तो कैलरीज एज अ फ्यूल है जो हमारी बॉडी बर्न करती है जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं. अब बात ये आती है कि काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं है, यानी कि किसी भी एथलीट की या प्रोफेशनल एथलीट की या बॉडी बिल्डर की डाइट वो कॉपी कर लेंगे, नेट से आप सर्च करके कर लेंगे, लेकिन उसका आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा. और वो इसीलिए नहीं होगा, लाइक अगर आपको मसल गेन करना है, अगर मसल गेन करने के लिए आपको 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है बट जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं नेट से किसी एथलीट की देखकर, वो कैलरीज उसकी टोटल कैलरीज कितनी बन रही हैं वो आपको नहीं पता है. अगर उसकी टोटल कैलरीज अराउंड समथिंग 3000 कैलरीज बन रही है और 4000 कैलरीज बन रही है बट आपको 2000 चाहिए, तो आप मस्कुलर गेन नहीं करेंगे बल्कि फैट गेन करेंगे. एंड देन फिर लोग कहते हैं कि मैं तो उसकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो एथलीट भी झूठ बोल रहा है या वो खुद ये फॉलो नहीं करता है, उसने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसी डाइट अपने ब्लॉग में लिखी है या अपलोड की है. तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने कैलरीज के हिसाब से उस फूड को डिवाइड करना है. आप चाहे तो वो फूड यूज़ कर सकते हैं, जो डाइट किसी प्रोफेशनल एथलीट की किसी नेट पे आपको मिलती है आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट अपने ही कैलरीज के हिसाब से कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए एंड कितना फैट चाहिए. अब हम अगर मसल बिल्ड कर रहे हैं या फिर फैट लॉस कर रहे हैं, दोनों ही गोल्स में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम अगर हमारा ये गोल ना भी हो तो हमें कितनी कैलरीज कंज्यूम करनी है एक दिन में कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके. हमारी डेली रूटीन जो चल रही है उसके हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं BMR. BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर आप कह लें बेसिक मेटाबॉलिक रेट. बेसिक मेटाबॉलिक रेट आप गूगल पे सर्च करें, कैलकुलेटर आ जाएगा, वहाँ पे अपना एज हाइट और वेट डालें, आपका वो नंबर आ जाएगा. बेसल मेटाबॉलिक रेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट वेट और एज. अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? जब भी आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आप, लाइक आप सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या आराम से लाइक कहीं पे भी बैठे हुए हैं एंड किसी से सिर्फ बात कर रहे हैं, उस टाइम पे यानी कि रेस्टिंग पोजीशन में जब आपकी बॉडी किसी भी फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उस टाइम पे आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. अब बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज. अब 1.8 से हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 1.8 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि एक यूनिवर्सल नंबर है, यानी कि एक जनरेटेड फार्मूला है, साइंटिफिक फार्मूला, कि हम अपने BMR के नंबर को 1.8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज आती है. अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है?
मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो हम पूरे दिन में अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, या जितनी कैलोरीज हमें पूरे दिन में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के साथ साथ रेस्टिंग पोजीशन में भी जितनी कैलोरीज हमारी बर्न हो रही हैं या कंज्यूम कर रहा है हमारी बॉडी, उसे हम कहते हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को मसल बिल्ड करना है या फैट लॉस करना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी जो BMR है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करके 2500 आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आया। अगर आपको मसल बिल्ड करना है या वेट गेन करना है तो आप 2500 कैलोरीज में 200 या फिर मैक्स टू मैक्स 500 कैलोरीज तक ऐड अप कर सकते हैं, जिसे हम कैलोरीज सरप्लस भी कहते हैं। एंड अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप उसी 2500 कैलोरीज में से 200 टू 500 मैक्स टू मैक्स आप कट कर दें तो आप जो है फैट लॉस करने लगेंगे, और उसको हम कैलोरिक डेफिसिट भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि कैलोरीज के कंपोनेंट क्या क्या हैं। लाइक मेन जो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट हैं कैलोरीज के, लाइक एक मैक्रोन्यूट्रेंट और एक माइक्रोन्यूट्रेंट।